नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालती हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के दुर्गियाना ग्राउंड में मनाया गया दशहरा उत्सव। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इलेक्ट्रॉनिक स्विच से किया रावण दहन। फिलौर पुलिस और एक्साइज विभाग ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत 21 पेटी अवैध शराब की बरामद। सीपी की अगुवाई में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस का बड़ा एक्शन, 35 लोग गिरफ्तार, 14 ट्रैफिक चालान सहित 3 वाहन किए जब्त। और अब हलचल विस्तार से। जहां पूरे देश में दशहरा पर्व बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ रावण दहन कर मनाया जाता है, वहीं अमृतसर में दशहरा उत्सव के मौके पर दुर्गियाना कमेटी द्वारा दुर्गियाना ग्राउंड में रावण का पुतला जलाकर दशहरा उत्सव मनाया गया, जहां विशेष रूप से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी पहुंचे, जिनके द्वारा रावण का पुतला जलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्विच दबाया गया। इस अवसर पर कुलदीप सिंह धालीवाल भी उपस्थित रहे। कमेटी सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को सिरोपा साहिब देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस दौरान सीएम ने सभी देशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज पूरे देश के बुराई के उत्ते अच्छाई की सीएम का कल शाम को भी सूचना आई है, वो आएंगे, आए हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री आए हैं, अच्छा ही लगता है ना। लेकिन मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री प्रबंधन ना हमारी चलती है, रोके ना लोगों को रोके। ये फंक्शन राम जी का है, अगर पुलिस ने रोक लिया, केवल मंत्रियों का फंक्शन नहीं है, उन्होंने हमें सहयोग किया। पंजाब पुलिस की ओर से नशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत कार्रवाई करते हुए फिलौर में बड़ी संख्या में अवैध शराब पकड़ी गई। तो वहीं फिलौर के खुडू मोहल्ला में पुलिस और एक्साइज विभाग के अधिकारियों की ओर से एक गुप्त सूचना के आधार पर रेड की गई। इस दौरान 21 शराब की पेटी बरामद हुई। तो वहीं पुलिस अधिकारी बलजिंदर सिंह और एक्साइज ऑफिसर हरचंद्र सिंह ने बताया कि इस शराब के संबंध में जाँच की जा रही है कि मालिक कौन है। वहीं उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पंचायती चुनावों के लिए ये शराब लाई गई हो। ऐसे बलजिंदर सिंह थाना फलौर, आज इन्फॉर्मेशन मिली सी कि खड मला वेगे शराब नजायज पई है, तो ये असी कड ली आ, तो ये मिनती करके तो फिर असी दसांगे अगली कार्रवाई करके। किन्नी शराब है सारी कोल? हले गिनती करनी है जी। ਉਦਾਂ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ? 20-22 ਕੀ 21 ਹੈ 21 ਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੱਗਦੀ ਪਤਾ ਕੁਛ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਸ਼ ਹੋਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ PPR ਮਾਰਕੀਟ ਔਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੇ ਹੋਏ 35 ਵਿਅਕਤੀਓਂ ਕੋ गिरफ्तार किया है। तो वहीं गत सायं PPR मॉल और मॉडल टाउन मार्केट में पुलिस कमिश्नर ने खुद इस अभियान की अगुवाई की। पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों ने शाम करीब 7:30 बजे ये कार्रवाई शुरू की, जो कि करीब 10:30 बजे खत्म हुई। पुलिस कमिश्नर ने खुद ये सुनिश्चित किया कि चाहे ट्रैफिक, पार्किंग या कोई और नियम हो, सभी दुकानों की बारीकी से जाँच की जाए। उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना पूरी तरह से अनुचित और अस्वीकार्य है और कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान पुलिस ने इस व्यापक कार्रवाई में 35 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, 14 ट्रैफिक चालान किए गए, 3 वाहन जब्त किए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी ऐसी कार्रवाई दोहराई जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनी शर्मा की रिपोर्ट। बेसिकली स्ट्रीट क्राइम है, वो फल पान नहीं है। आज फेस्टिवल सीजन सीगा, तो जेडे शरेआम शराब पान गड्डियां चुकी रही और सर हो रही है,
बुलटबाजी हो रही है, पटाखे मारे जा रहे हैं, ट्रिपल राइडिंग थी, थल पान थी, जो मेजर अच्छी मार्केट्स हैं जिनके परिवार पुरानी चेकिंग करती हुई है, कुछ लोग जरा वॉलेशन सीखे सामना सामना कर सकते हैं जी जी ऐसे ही लगातार चलती रही जी चलती जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने कमिश्नर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में अवैध हथियारों सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मकसूदा निवासी सुरजीत ठाकुर नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि बीती 31 अगस्त को दोपहर 2 बजे के करीब वह अपनी दुकान से नकदी लेकर जा रहा था। उसके बैग में 40,000 रुपये और खाता बुक थी। उसने बताया कि जब वह पटेल नगर की ओर जा रहा था तो 3 अज्ञात व्यक्ति वाहनों पर आए और एक व्यक्ति ने उससे पिस्तौल दिखाकर 40,000 रुपये लूट लिए। स्वपन शर्मा ने बताया कि मिली शिकायत के आधार पर थाना डिवीजन नंबर 1 में इस संबंधी मामला दर्ज किया गया था। इस मामले संबंधी जांच के दौरान रामजानकी नगर शीतल नगर मकसूदा में छापेमारी की गई, जहां से एक आरोपी पंकज को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 315 बोर का एक देसी कट्टा और 2 जिंदा रौंद के साथ अवैध हथियार बरामद हुए। उन्होंने बताया कि इस लूट की वारदात में पंकज का साथी आशु फरार है, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर दिया जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ CP जलंधर, जलंधर पुलिस को एक वड्डी सफलता हासिल हुई है। पिछले आए दिन एक वारदात हुई सी जिदे कि आप FIR 126/2024 दर्ज पहला की हुई सी। इस इंसीडेंट के स्नैचिंग विद गन पॉइंट हुई सी। एक एक्टिवा से बंदा जा रहा है जिसका नाम सुरजीत ठाकुर से पुत्र वीर सिंह, वो जाते हुए अननोन जो 3 बंद ने उन्होंने गन पॉइंट से डरा के उदे तो जो बैग हासिल किया तो स्नैच कर सक्सैसफुल हो गई। उस बैग के 40,000 रुपया तो कुछ अकाउंट्स की बुक से उसी लड़ी को फॉलो करते हुए एक अरैसट असी की है, जिदे कि दोषी पंकज पुत्र शुकरदास असी गिरफ्तार किया है। ये कोलों एक 3.315 बोर का कट्टा बरामद होया तो 2 लाइव एमोनेशन ये तो बरामद की गई है। तो इनू हुण असी रिमांड ते हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, साडे लॉकअप दे विच है ते फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस फाइंड आउट करने की पुलिस कोशिश कर रही है। ते पहले भी कोई मामला दर्ज है जी? हाँ जी, हैबिचुअल ऑफेंडर है। इहदे ते पहला 2 मुकदमे दर्ज हैं। एक तो जो 20 FIR/23 की हैगी जिहदे विच कि 302/364/148/149 IPC ते तहत की सी, जिहदे विच कि उदो जोवेनाइल सीगा। तो हुण एक होर मुकदमा 108/2023 है, 343/41/506/148/149 का मुकदमा है जिसपे दर्ज है। जालंधर में कुल्लड़ पिज़्ज़ा कपल और निहंग सिंघों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में अब एक अन्य निहंग सिंह मान सिंह बाबा ने एक वीडियो और जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वे सोमवार को सुबह 11:30 बजे फिर से कपल के रेस्टोरेंट के बाहर पहुँचेंगे। उन्होंने कपल को सलाह दी कि वे इस मामले को आगे ना बढ़े और उनके साथ बैठकर बातचीत करें। निहंग सिखों के विरोध के बाद कपल ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए दरबार साहिब से मदद की गुहार लगाई है। दंपति ने कहा कि वे अपने परिवार के साथ दरबार साहिब पहुंचकर अपनी अर्जी पेश करेंगे। सहज अरोड़ा और उनकी पत्नी गुरप्रीत द्वारा जारी वीडियो में सहज ने कहा कि वे दरबार साहिब में जाकर पूछेंगे कि क्या उन्हें दस्तार पहनने का हक है या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर वह गलत हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। तो वहीं इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दंपति ने श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार से अपने परिवार और रेस्टोरेंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
पिछले 2-3 दिनों तो एक सवाल उठ रहा है कि मैं दस्तार सजा सकता या नहीं सजा सकता। इस चीज़ का जवाब लेने के लिए मैं अपने पूरे परिवार समेत श्री अकाल तख्त साहब से जाके एक अर्जी देवांगा। जिथे तो मैं गलत हाँ मैनू सज़ा दी जाए, जिथे मेरे तो मेरे परिवार नाल गलत हो रहा है तो उस चीज़ की सुनवाई की जाए। और मैनू पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, सानू इंसाफ दवाया जाएगा। और साडे सिखां दी सर्वोच्च संस्था ही है जो सही और गलत की सही चोण कर सकती है। एक श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहबान मैं एक होर बेनती करना चाहवागा, इतने साड़ी ते साडे परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। और प्रशासन में मैं ये अपील करदा कि साडी ते साडे परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। बार बार साडे रेस्टोरेंट उत्ते इदां दा माहौल ना क्रिएट होवे ते सानू बार बार इस चीज़ की हरासमेंट ना फेस करनी पवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़े प्रदर्शन के तहत जालंधर के धनोवाली फाटक के पास नेशनल हाईवे को 3 घंटे के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ ये जाम 3 घंटे तक चला। इसके बाद दोपहर 3 बजे ट्रैफिक को पुनः चालू किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान हाईवे के दोनों ओर यातायात को रोक दिया गया, जिससे लुधियाना, अम्बाला, दिल्ली और दूसरी ओर अमृतसर, पठानकोट व जम्मू जैसे मार्ग बाधित हो गए। इस जाम के कारण नेशनल हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे यात्रियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। किसानों की ये नाराज़गी मुख्य रूप से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ थी। भारतीय किसान यूनियन के नेता जथेदार कश्मीर सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं को लगातार नज़रअंदाज कर रही है। धान की फसल को उठाने में देरी हो रही है और शेल्डर वाले भी स्टोर में जगह की कमी का बहाना कर रहे हैं। ऐसे में किसानों के पास विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि धान की खरीद प्रक्रिया जारी है और अब तक लाखों मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। कृषि मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि ज़्यादातर किसानों को भुगतान किया जा चुका है और बाकी के किसानों को भी जल्द ही उनके खातों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं जथेदार कश्मीर सिंह, भारतीय किसान यूनियन राज्यवाल, दुआबे का सेवादार हाँ। ये 12-3 का साडा एक्शन आ। मोदी सरकार ने, पंजाब गौरमेंट ने सानू पूरा जलील करने तुरिया हुई सरकार। मोदी सरकार ने स्टोर चो झोना नहीं चक्या। पंजाब गौरमेंट को एको एक बहाना, मोहरे स्टोर खाली नहीं, सैलर आए कहते एको उन्होंने को बहाना स्टोर खाली नहीं, और संबंध में अच्छ रोस वजो इतने सड़क से उतरे हैं। जो SKM मोहरला देश दूगी और मुताबिक करा। अज देखो तुम जाके किसी दुकान से देख लो 16-17 रुपये DAP खाद का पूरा बिक रहा है। ब्लैक खाद बिकती आ, खाद किसानों के कोल नहीं गी। मुड़े आलू कान ना लौड़ के, कान ना कणक बीजा के करिए की करिए। यह सरकार जिम्मेवारियां वह जलो एक्शन दिता गया, जो कॉल दी गई आ, फिर सरकार जागियां। उन्ना चर सरकार कितने जागदियां आ, जिन्ना चर असी घर निकलते नहीं गए। जो अभी निकलते हैं फिर इन्होंने सरकार शर्त आती है भाई ये लोग हम सड़क से उतरने तो सू बदनामी मिलेगी। जालंधर की नई अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य मंडी में चल रही धान की खरीद प्रक्रिया का निरीक्षण करना था। मंत्री और डिप्टी कमिश्नर ने किसानों को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार उनके द्वारा लाई गई फसल के एक एक दाने की उठान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री महेंद्र भगत ने कहा कि सरकार ने मंडियों में फसलों की खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं। मंत्री भगत ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार हर किसान की फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने बताया कि संबंधित एजेंसियाँ सक्रिय रूप से उठान कार्यों में लगी हुई हैं और किसानों की किसी भी प्रकार की देरी या कठिनाई का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने भी इस अवसर पर किसानों से बातचीत की और उन्हें आश्वस्त किया कि प्रशासन उनकी हर समस्या का समाधान तत्परता से करेगा। तो वहीं मंडी में मौजूद किसानों ने भी इस अवसर पर अपनी समस्याओं और चिंताओं को अधिकारियों के समक्ष रखा, जिन पर ध्यान देकर समाधान के आश्वासन दिए गए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा, जिसे भारतवासी दशहरा के रूप में मनाते हैं। इस पर्व को होशियारपुर में बड़ी ही धूमधाम से होशियारपुर के दशहरा मैदान में मनाया गया। तो वहीं इस अवसर पर होशियारपुर वासियों ने बढ़ चढ़कर
इस दशहरा पर्व में शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ाई। वहीं कुल्लू के बाद होशियारपुर का दशहरा उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, क्योंकि इस मौके पर लाखों की संख्या में लोग होशियारपुर में मौजूद होते हैं। इस अवसर पर रामलीला कमेटी द्वारा राजनीतिक धार्मिक पार्टियों के साथ मिलकर इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और होशियारपुर रामलीला कमेटी द्वारा इस मौके पर पहुंचे लोगों का धन्यवाद भी किया गया। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी जालंधर की ओर से ओल्ड ग्रीन वेन्यू बस्ती बाबा खेल में दशहरा पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के चेयरमैन रमेश शर्मा, प्रधान अलन लाखपाल, वाइस प्रधान जसवीर सिंह, सेक्रेटरी बलविंदर बल्ली, कोषाध्यक्ष बलदेव सिंह, डॉक्टर दविंदर शर्मा, कुलदीप राज शर्मा, पवन झा, अजय झा, संदीप शारदा, निर्मल सिंह, गुरबचन सिंह, सतनाम सिंह, रमा शंकर व अनिल झा के अलावा समूह कॉलोनी वासी भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। किस जगह मनाया जाता है? ओल्ड ग्रीन एवेन्यू बस्ती बाबा खेल बस्ती पीरदा। जो दशहरा है पिछले साल तो यह दूसरा मनाया गया है। साडे इलाके के सारे ही निवासियों के सहयोग नाल जो दशहरा मनाया जाता है और अगे भी मनाया जाएगा। सो इत्थे अच्छाई ते बुराई की जिहड़ी गल है कीती गई है, जिस तरह प्रभु श्री राम ने बुराई ते जित करके उन्होंने जस खटिया अपना, उस तरह राम ने जिहड़ा प्रभु राम सी उह इक वड्डे भगवान सन, उन्हां दे नाल जिहड़े रावण सन उह भी भगवान ही सन। चार वेदां दे ज्ञाता सन, चारे वेद जवानी गल सन। सो जदों कहिंदे आ रब ना लत मारदा ना कसुन मारदा, जदों मारदा बंदे दी मत मारदा। सो उन्हां दी मत मर गई सी। सो सानू इन्हां तों शिक्षा लैनी चाहीदी है, सानू चंगे कर्म करने चाहिए हन तां जो आने वाले समय च साडा जो समाज है, साडे जो बच्चे हन उन्हां नू चंगी सेध दे सकीए। इन्हां ही शब्दां नाल जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सत्कारयोग साडे सारयां दे प्रेरणा स्रोत लगदा, जिन्ने जिन्ने आपां इस पार्क च बैठे होणे, सब तो यंग नंबे उम्र दे श्री शर्मा जी जिन्हां दी देखरेख सारा कुछ चल रहा है। बहुत सत्कारयोग अमर सिंह महमी जी, अमर सिंह महमी जी जेडे डेरा बाबा अवगरनाथ जी, उत्थे बहुत वड्डा मेला लगता, बुली भाजी दे सहयोग नाल ही उत्थे दर्शन हुंदे आ, उन्हां दे भी चरण पए इस पार्क च। बहुत सत्कारयोग ताडी धी कौंसलर चंद्रजीत कौर संधा जी, पंडित तिवारी जी, ग्रीन एवन्यू वेलफेयर सोसायटी तो चोपड़ा जी, डॉक्टर शर्मा जी, बहुत सत्कारयोग जेड़ा इस रूप बनिया। मैं लगता परसों बुली भाजी ने कहा भी आपां इतकी दशहरा अपना मनाउणा, और एक बार जोरदार तालियां श्री अनिल लाखपाल जी, श्री बलविंदर बुली जी और पप्पू भाजी बैठे ने जसवीर सिंह जी, और इन्होंने जो उपराला किया वाकई सराहना योग है। तो सारे ही साथी जिन्हों का मैं नाम भी लै सकिया, रोमी भाजी बैठे ने, तो बहुत वड्डा दिन है अज। अज दे दिन लंका ते फतेह करके रावण दा दहन करके अज दे दिन जो उस तो बाद 20 दिन बाद जो दिवाली आ, सीता माता नू लैके प्रभु श्री राम घर परते सी, और ए बहुत वड्डा दिन है। जिदा कि मेरे वीर ने दस्या कि जो बुराई है वह किसी भी रूप दे विच समाज च हो सकती है, और ए संकेत हुंदा एक कला रौनक मेले दा जां पटाके चलाउण दा दिन नहीं हुंदा, ए बहुत वड्डा सिक्ख्या दा दिन है, क्योंकि मर्यादा पुरशोत्तम प्रभु श्री राम आप मानव जन्म दे विच धरती ते आए, और जिदा नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी सोडल की ओर से रामलीला ग्राउंड सोडल में विधिवत श्री गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर रामलीला के अंतिम दिन रावण वध का मंचन किया गया। इस दौरान भगवान राम और रावण के बीच युद्ध के दृश्य को कलाकारों ने बाखूबी निभाया। इस अवसर पर जोगिंदर पाल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, तो वहीं नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी की ओर से आए हुए मुख्य अतिथियों को प्रभु श्री राम जी का सिरोपा एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी के प्रधान सुखविंदर कालिया बिट्टू, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश, विकी शर्मा, विनी छावड़ा, गौरव कनौजिया, अश्विनी सिंगला, सनी महाजन, निंकू भगत, सूरज मेहरा,
सहित सभी सदस्य एवं कलाकार उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट। तो बैठे सीगे नक्शन मोशा देखी तो सब प्रभु श्री राम जी की कृपा सब कुछ लगे उन्होंने कृपा नाली सब कुछ हो रहा है। जिन्हिया भी रामलीला महाभारत या जिन्हें भी ग्रंथ ने यह सिर्फ सिर्फ जे कुदरत परमात्मा कोई अपना चमत्कार इदा दिखाते रहे सिर्फ इंसान को याद कराने वास्ते भी इंसान वड्डा नहीं और परमात्मा वड्डा पर फिर भी लोग जड़े ने अहंकार नहीं छड़ते पर सर्वे सर्वा वो परमात्मा है सामने सारे मनना चाहिए तो उन्हें चरणों के ही अपना जीवन बतीत करना चाहिए। प्रभु श्री राम जी के दिखाए रस्ते से चल के मर्यादा पुरशोत्तम भगवान श्री राम जिन्होंने मर्यादा च रह के अपनी सारी जिंदगी की बिताई असी अपने बच्चों अपने परिवार सके संबंधियों सारियां यही शिक्षा दईए रौनक देखने को मिली। इसी के तहत फ्रेंड्स दशहरा कमेटी छोटी बारादरी गढ़ा की ओर से दशहरा पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया जिसमें भाजपा नेता अमरजीत सिंह अमरी जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन अमृतपाल सिंह कृष्ण मनोचा सोनू ढिसी बलजिंदर तूर संजीव त्रेहन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रावण कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतलों को अगन भेंट किया और सभी देशवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रधान मिंटू जुनेजा चेयरमैन राकेश कनौजिया दिनेश शर्मा सोनू बुद्धि राजा मोहन अरोड़ा बलजीत पप्पी शशि भगत रमन शर्मा सहित असंख्य राम भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। बहुत ही मुबारक घड़ी है मैं समझता हाँ बदी तो नेकी की जित का जोड़ा प्रतीक है दशहरा बहुत ही धूमधाम के नाल हर साल की तरह इतने छोटी बारादरी मनाया जा रहा तेईवा दशहरा है जी और प्रधान मिंटू जुनेजा जी चेयरमैन राकेश कनौजिया जी चावला जी सोनू बुद्धि राजा जी सारे सरपंच साहब साढ़े एक बहुत वड्डी इन्हां दी टीम आ जिहड़ी हर साल बहुत सुचे तो सुचुचे ढंग के नाल दशहरा का आयोजन करते हैं और सब तो वड्डा जलंधर च दशहरा यह बन चुका है क्योंकि इन्नी संगत इतने जुड़ती है कि परमात्मा की अपार बख्शिश है। सो बहुत बहुत मुबारक अज इस शुभ घड़ी से सारी संगत नूं और सारी कमेटी नूं इदा ही हर साल इदा दशहरा मनाते रहन और संगत इतने जुड़ती रहे। राजेश्वरी धाम माँ देवी राजरानी वैष्णो मंदिर बस्ती शेख रोड जालंधर में शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष्य में दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पर माता की चौकी का भव्य आयोजन हुआ। भक्तों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मां राजरानी के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में भक्तों का तांता लगा रहा और माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध भजन मंडली पंकज ठाकुर एंड पार्टी ने माता का गुणगान कर और मधुर भजनों से भक्तों को भाव विभोर किया। भक्तजनों ने जयकारों के साथ माता जी की आरती की और वातावरण में मां दुर्गा के जय घोष गूंज उठे। इस धार्मिक आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित व्यक्तियों में प्रधान कैलाश बब्बर विजय दुआ एस एम नायर ज्योति बब्बर राजीव सहदेव सतीश बब्बर ललित कक्कड़ रामकिशन पवन नागपाल कृष्ण अरोड़ा और सुरेंद्र अरोड़ा भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। महिमा तेरी करूं प्यार तेरी करूं प्यार महिमा मैं तेरी करूं प्यार महिमा मैं तेरी करूं प्यार मुझे अपनी शान की
आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में विशेष साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन करवाया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान प्रदीप सहगल, मीना सहगल, कनिका सहगल, संजय भगत और सपना भगत ने पवित्र वेद मंत्रों के साथ यज्ञ में हुतियां डाली। इस दौरान यज्ञ ब्रह्म सुशील आर्य ने विधि विधान से हवन यज्ञ को संपूर्ण करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और रवि पौडवाल ने भक्ति में भजनों से उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच का संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने वायु संगत का धन्यवाद किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, पूनम मेहता, हजारीलाल शर्मा, नन्नी उपाध्याय, वैजनाथ वेद प्रकाश भाटिया सहित अन्य शहरवासी भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अब अलग अलग धर्म है, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं और हमेशा हम अपनी अपनी धारणाओं को इसे ही समझते हैं। हम मुस्लिम ये समझते हैं, मुस्लिम समुदाय में ये भावना या ये एक सिद्धांत है कि उनके जो मोहम्मद साहब थे वो घोड़ी पर बैठ कर स्वर्ग पर चले गए। अब ये उनकी मान्यता है और बाकी सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। अब जैन धर्म की ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो आप बड़े हैरान होंगे कि ये कैसी कैसी मान्यताएं हैं। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, वो कहते नहीं हमारी सही है, हमारी मान्यताएं सही है, चाहे कितनी ही बेकार है, चाहे कितनी ही बेतुकी है, चाहे कितनी भी अवैज्ञानिक है। तो वेद कहते हैं, केनो उपनिषद कहते हैं, वो ये कहते हैं कि धर्म भी सत्य की ही खोज है। ये जो अलग अलग हमने मत मतांतर बनाए हुए हैं ये सत्य की खोज करने के लिए बनाए, ये सत्य की खोज नहीं है, ये अपने अपने सपनों की खोज है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम मानते हैं, जैसा हम जानते हैं, वैसा ही है। हम अपने अपने मत मतांतर बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये जो सपनों की खोज है, अपने ही सपनों की खोज है, इससे दूर हटकर केनो उपनिषद का ये सूत्र कहता है कि परमपिता परमात्मा जो है वो आंखों से दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमने परमात्मा को अपने सामने साक्षात देखा है, हमने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमने भगवान राम के दर्शन किए, हनुमान के दर्शन किए। ईसाई धर्म में ऐसा मानते हैं, बहुत से ऐसे उनके भी ऐसे धर्मगुरु हुए हैं जो तो कहते हैं कि हमने जीसस को साक्षात अपने सामने देखा है, हमने उनका साक्षात्कार किया है। लेकिन केनो उपनिषद का ये सूत्र ये कहता है कि आप उस परम सत्ता को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि अब वो वहां पर बैठे हैं सामने मूर्ति बनकर, आप जैसा करना चाहते हैं वैसे आप करें, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, आप कीजिए जो करना है। तब वो माथा टेक कर वहां पर आंखें बंद कर ली उन्होंने और बैठ गए। तो मैंने उनसे कहा कि आप आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं, परमात्मा तो मूर्ति के आपके सामने है, तो आंखें आपने क्यों बंद की? अब परमात्मा सामने है और आपको लगता है कि वो मूर्ति परमात्मा है तो आप आंखें क्यों बंद करके बैठे हुए हैं? आपको तो आंखें खोल कर देखना चाहिए, अच्छी तरह देखना चाहिए। तो कहने लगे कि नहीं, आंखें जो है वो अपने आप ही बंद हो जाती हैं। तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आत्मा जानती है कि कहीं ना कहीं परमात्मा आपके अंदर ही है। आपने मंच से हम सभी को संबोधन किया और स्वयं ही अपना स्वाध्याय करने के लिए जो प्रेरित किया कि हमें अपना ज्ञान अंतर ज्ञान से ही प्राप्त करना चाहिए। आपकी बातें हमारे मस्तिष्क में एक नॉकिंग करती हैं और ये चेतना जगाती हैं। हम इसके बहुत बहुत आपके आभारी हैं कि आप आके हमें हमारे, और मैं देख रहा था कि सभी बड़े ध्यान से आपकी बातों को सुन रहे थे, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। हमारे बीच में वेद आर्य जी आए हैं, आर्य नगर से प्रधान श्री वेद आर्य जी खड़े होके खड़े बजिए, आप प्लीज अपना परिचय दीजिए। और आर्य पत्नी सभा के मंत्री हैं, मैं प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मंत्री बनने के बाद पहली बार आए हैं, इनको सम्मानित किया जाए श्रोते से। शांति पाठ से पूरा धन्यवाद के लिए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद है। उसके ही कारण हम ये प्रति सप्ताह जो हमारा विशेष आयोजन होता है, हम तो हर सप्ताह ही मेरे को ये महान दिन का दिन होगा उसको विशेष रूप से यहाँ पर पूर्ण वैदिक रीति के साथ अपने पाश्चात्य संस्कृत छोड़कर परवरी जो संस्कृति है भारतीय संस्कृति के अनुसार पवित्र और वेद मंत्रों के द्वारा आपके ये जो आपने कार्य किया बहुत शुभ कार्य किया है। नहीं तो
आप रात्रि में निकल के गए, देखा होगा आप जोते जलाते रहे, जलाते तो नहीं रहे, ये आपने जिंदगी जो जलाई है इसे ऐसे जलाते रहे। आप प्रयास करें बिना सूचना हो न हो, पता हो मेरा जन्म वर्ग अंकित होता है ना, आप सज्जन जारी बना रखें। किसकी अपने मित्र का हमारे साथी संगी का आज जन्मदिन है और उसकी उसको याद करते हैं, तो आपने अभी संवृत्ति बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, कवि जी आपके बहुत से वंचित रहे, स्वामी भारती जी उन्होंने फवारा में यज्ञ करवाने के, देखो हमारी बहने आज फवारा में यज्ञ करें, सभी चले निकलते हैं याद रखा है। तो हम अभी यहाँ से हमारे बीच में ले जाने के हमारे देखो पुराने साथी तो मरे हैं, इस समय जो आर्य समाज में बहुत बड़ा है, ये आर्य समाज जब बनाई थी ना ऐसा समय भी आया था, लोग रोकते थे बनने के लिए, ये ऐसा जवान था उस पिताजी के साथ मिल करके ये दो एक कुछ विभाग थे रुकावट आ रहे थे, जिन्हें कहा ये कई कसी पकड़ी कहते आप आर्य समाज का काम है, ये ऐसे शेर है इनके लिए तारीफ हर कृष्ण सिंह अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर वाहेगुरु जी के चरणों में जो विराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास का आयोजन उनके बेटे तेजेंद्र सिंह बिट्टू के निवास स्थान जालंधर में किया गया। इस मौके पर रागी सिंहों ने बैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय हर कृष्ण सिंह की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय, रमेश मित्तल, सांसद अशोक मित्तल, एएसएस मित्तल, विपिन सब्रवाल, पूर्व विधायक रजिंदर बेरी, सोनू ढेसी, विधायक राणा गुरजीत, प्रिंस ग्रोवर, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया, बीबी सुरेंद्र कौर, श्री दीवित लाभ, मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव रजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहर, अजीत समाचार के संपादक बरजिंदर सिंह हमदर्द, विधायक जलंधर कंट प्रगट सिंह, उत्तम हिंदू के अरविंद खन्ना, भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष अमरजीत सिंह अमरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, एडीजीपी एमएफ फारूकी, एडीजीपी वरिंदर कुमार, सरबजीत मक्कड़, महेंद्र सिंह केपी, स्वामी शांतानंद, बाबा चरणदास, विधायक लाडी शेरोवालिया, लोकल बॉडी मंत्री रवजोत सिंह, अशोक सरीन हिक्की, सतीश जैन, अरुणा अरोड़ा, चरणजीत सिंह अटवाल, आबिद हसन सुलेमानी, तरसेम कपूर, रेडिसन होटल के गौतम कपूर, जयवीर शेरगिल व पारिवारिक सदस्यों में बेटा तेजेंद्र सिंह बिट्टू, जसबीर कौर, मनिंदर सिंह, हरविंदर कौर, सतेंद्र कौर, मनिंदर सिंह, पुनीत कौर, अंगद सिंह, आनंद कुंवर, विभवर राज सिंह, हरप्रीत सिंह, अजयपाल सिंह, इंद्रप्रीत सिंह सहित शहर के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुँचकर स्वर्गीय हरकृष्ण सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। आपे हरे रंग है, आपे बहुरंगी, जो किस पावे नाच का सारी दर्चन, जो किस पावे नाच का सारी दर्चन, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु,
सिंह जी और इन्होंने ननकाणा साहब करके ज्यादा चेते किया जाता है क्योंकि ननकाणे दे विच इन्हां दा बर्थ होया। उहदे बाद पंजाब च आ के लुधियाणे रहे, फिर इत्थे जलंधर बसेरा कर लिया। और मैं सारा परिवार सरदार हरकिशन सिंह जी का, उन्होंने साढ़े बहुत ही प्यार वाले बेटे, उन्होंने बेटे सरदार तजिंदर सिंह बिट्टू, जिन्होंने समाजिक तौर के उत्ते आप देख रहे सारे जिन्हें सज्जन जिन्हिया भैन जिन्हें भरा भारी गिणती से ती सारे इतने आ रहे हो सरदार हरकिशन सिंह जी को नतमस्तक होने, उन्होंने शरदा के फुल भेंट करने लई। तो सरदार तजिंदर सिंह बिट्टू होर मिसेज जसवीर कौर जी, उन्होंने छोटे भ्राता मनिंदर सिंह जी, उन्होंने वाइफ रविंदर कौर और उन्होंने प्यारी बेटी सतिंदर कौर, उन्होंने दमाद मनिंदर सिंह जी और उन्होंने पोतरी साड़ी बेटी प्रनीत कौर और साढ़े पोत जवाई साढ़े दमाद अंगद सिंह आनंद जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी की फतह। मेरे तो पहला मेरे लिए रसपाल सिंह पालवरा ने विस्तार च सब कुछ इस परिवार बारे सरदार हरकिशन सिंह जी की शख्सियत बारे विस्तार च दसिया, ये भी दसिया कि इस परिवार का किन्ना संबंध, विशाल जेड़े संबंध है उहदे करके बहुत सारे बहुत शख्सियत सत्कारयोग शख्सियत जलंधर दियाँ बाहर दियाँ पंजाब तो बाहर दियाँ भी सरदार हरकिशन सिंह जी को श्रद्धांजलि भेंट कर उन्होंने याद कर ते इस परिवार नाल दुख सांझा कर जितों तक सरदार हरकिशन सिंह जी का संबंध है। उन्होंने बड़ी अच्छी सुचज्जी जिंदगी बिताई है। हर इंसान अपनी जिंदगी जो कुछ भी करता है वो जरूरी नहीं कि बहुत वड्डियां ऊंचाइयां वाला हो, पर एक निम्रता वाला एक चंगा ते अपने घेरे च अपने साथियों लोगों के काम आने वाला जीवन जेड़ा होता है, मैं उस जीवन को सफल जीवन समझदा। सरदार हरकिशन सिंह जी ने उस तरह का जीवन बताया। खास तौर पर मैं एक गल का जिक्र जरूर करना चाहना कि वंड तो बाद पहला अमृतसर फिर जलंधर जेड़े लाहौर तो छपते उर्दू ते पंजाबी दे अखबार से वो आए, उस समय वो बड़ा संघर्ष वाला समा सी, बहुत मेहनत वाला सी, किसी च भी हालात इस तरह के सी अखबार चलान की समर्था नहीं सी, पर उस वेले कुछ जेड़े अपने समाज नाल जुड़ना सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में अलग पहचान बना चुके जालंधर के कर्मशील क्रांति वाटर मीटर के नाम से क्रांति लाने वाले स्वर्गीय देसराज शर्मा के सुपुत्र अविनाश शर्मा का निधन हो गया। उद्योगपति नितिन शर्मा व उद्योगपति कुशल शर्मा के पिता स्वर्गीय अविनाश शर्मा की आत्मिक शांति के लिए
रखी गई श्रद्धांजलि सभा मंदाकिनी रिजोर्ट में संपन्न हुई। इस मौके पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साध्वी बहनों ने स्वर्गीय अविनाश शर्मा की आत्मिक शांति के लिए भजन सुनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्वामी सचनानंद ने स्वर्गीय अविनाश शर्मा की जीवनी पर प्रकाश डाल उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक क्षेत्र विज, पूर्व मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व CPS KD भंडारी, दिनेश ढल, अमित ढल, दीपक बाली, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, रितिन खन्ना, चंदन गरेवाल, सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तलाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष प्रविंदर बहल, प्रसिद्ध उद्योगपति नरेंद्र सिंह सग्गू, तरुण कपूर, तरुण सेम कपूर, नरेश शर्मा, अजय लाली, विजय खुल्लर, ML चोडा, लखबीर सिंह लाली, घुमन एडवोकेट गुलशन शर्मा, जोगिंदर शर्मा, मुकेश इनायत, प्राणनाथ भल्ला, मनीष विज, राजकुमार शर्मा, पंकज गुप्ता, मनीष गुप्ता, अमित निजा, शैलेंद्र कालिया, मोहन राजेंद्र शर्मा, अमरजीत सैनी, नरेश सहगल, दिनेश सहगल, मंगत राय, सुशील शर्मा, अशोक सनी, निकी, बलराम कपूर, एडवोकेट मनमोहन शर्मा, आत्म प्रकाश सिंह बबलू, राजेंद्र सहगल, दीपक शारदा, श्रीकांत जजक, मनु शर्मा, रमेश सहगल, कन्हैया सहगल, योगेश धीर, संजीव ढिंगरा, टिंकू, नवीन शर्मा, पारस आनंद, इंद्रजीत सिंह राही, अरुण मल्होत्रा, सुदेश शारदा, राकेश शारदा, कुलदीप शारदा, केवल कृष्ण शर्मा, संदीप जीत पतीला, BD शर्मा, मनीष शर्मा, ललित शर्मा, गुलशन राय, शुभम सहगल, भूपेश सोनू सहगल, शिवा सहगल, विक्रम ऋषिकेश, भगवंत प्रभाकर, सोनू सेठी, भगवान दास सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक वर्ग से जुड़े हजारों लोगों ने स्वर्गीय अविनाश शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। हम सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, घर चले जाते हैं, लेकिन एक इस लाइन पर विचार कर लेंगे तो जीवन बदल जाएगा। हम बहुत से मंदिरों में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन इस भजन ने क्या कहा? तन तो मंदिर है। कभी विचार किया कहां है मंदिर? श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक सर्जन आए, डॉक्टर आए, उन्होंने कहा आपके प्रवचनों में क्या, मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, इस स्तन के अंदर एक मंदिर है जहां ईश्वर का निवास स्थान है, मैं सर्जन हूं। बहुत सी सर्जरीज की है, नख से लेके शीश तक मैंने मानवी शरीर की काट छांट की है, पर मुझे तो मंदिर दिखाई नहीं दिया। आज इस मंदाकिनी फार्म के
स्थल पर विराजमान स्वर्गीय श्री बाबू जी अविनाश शर्मा की श्रद्धांजलि समारोह में आए हुए जन समुदाय परम पिता परमात्मा श्री नारायण भगवान का उद्योगपति जन कल्याण परिवार को हौसला शांता देने के लिए आए हुए स्वर्गीय श्री बाबू जी अविनाश शर्मा जी, मैं तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सरकार तो हो गया है, समय सरकार ही बीच में हो जाना चाहिए। बाबू जी बहुत ही नेक अच्छे इंसान थे, दान पुण्य इत्यादि, गरीबों की सेवा करना, जो कुछ भी था ये परमात्मा की कृपा होगी। स्वर्गीय उनके पिताजी केशराज जी की ये बनाई हुई बगिया है, फुलवैरी है, आज दो बेटे राम लखन विराजमान है, राम नितिन और कुशल जी। परमपिता परमात्मा श्री हरि नारायण भगवान कहते हैं कि जो पुत्र अपने माता पिता के निमित्त दुख तो सबको है, परिवार को भी है, जन कल्याण को भी है, दूर दूर से रिश्तेदार सबको दुख है, पर सबसे बड़ा दुख बाबू जी की धर्मपत्नी अरुणा माता जी है। पति चला जाए तो पत्नी अधूरी हो जाती है, पत्नी चली जाए तो पति अधूरा। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के दुर्गियाना ग्राउंड में मनाया गया दशहरा उत्सव, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इलेक्ट्रॉनिक स्विच से किया रावण दहन। फिलौर पुलिस और एक्साइज विभाग ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत 21 पेटी अवैध शराब की बरामद। सीपी की अगुवाई में जालंधर कमिश्नरेट पुलिस का बड़ा एक्शन, 35 लोग गिरफ्तार, 14 ट्रैफिक चालान सहित 3 वाहन किए जब्त। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।